नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं टेक न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के एवरशाइन में। यहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे तथास्तु ग्रुप का और 71 ग्रुप का बैनर लगा हुआ है। यहाँ नवरात्रि के उत्सव पर गरबा महोत्सव जारी है। आपको ये बता दें कि ये गरबा महोत्सव आयोजक मुख्य रूप से वसई विरार के पूर्व महापौर रुपेश यादव और उनकी टीम है। रुपेश यादव से हमने बात की, वो आप आगे सुनेंगे किस तरह से उन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम को डेडिकेट किया अपने कार्यकर्ताओं को। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आयोजन यहाँ हर रोज होता है। आज पांचवा दिन है गरबा महोत्सव का। यहाँ रंग बिरंगी वेशभूषा में लोग गरबा रास कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। और काफी बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर पिछले 5 दिनों से आयोजित हो रहा है, जो आगे 4 दिनों तक आयोजित होगा। तो देखिए इस गरबा महोत्सव की पूरे कार्यक्रम की झलकियां, बोल लीजिए आनंद। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। दादा, क्या कहेंगे, नवरात्रि उत्सव की बड़ी धूम है आपके यहाँ, काफी पब्लिक भी बहुत ज्यादा है, क्या कहना है? भोजन विकास आघाड़ी, तथास्थ ग्रुप, युवान नव मित्र मंडल और 717, इनके माध्यम से ये तीसरा साल है। 2 साल कोविड का था, इसके लिए कार्यक्रम हुआ नहीं। और आपको मालूम है, हम जब भी हमारे कार्यकर्ते आयोजन करते कोई भी कार्यक्रम का, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक भीड़ जमा होती है कि यहाँ पे अलग नियंत्रण देता है हमारा। यहाँ पे हम सीसी कैमरे लगाते हैं, हमारे 500 से ज्यादा हमारा महिला मंडल और कार्यकर्ते ये पूरा लगा हुआ रहता है। अरे, इनकी देन है कार्यकर्ते कि उनकी वजह हमें भी काम करने का मौका मिलता है और सेवा करने के लोगों की मौका मिलता है। हमारे दीवान मित्र मंडल ये हर साल नवरात्र उत्सव करते थे, तो 10 साल से पहले वो नवरात्र रखते थे। तो बाद में सब हम एक साथ होके दीवान मित्र मंडल और तथास्तु ग्रुप एक साथ होके ये हमारा तीसरा साल है। अगर कोविड नहीं रहता तो ये 5वां साल रहता था। और इस साल मुझे अलग ही लग रहा है कि आप देख रहे हैं वसई से, नायगांव से, मुंबई से, भिवंडी से, पालघर से, विरार से, कई जगह से यहाँ पे सब हमारे प्रेमी सब यहाँ पे खेलने के लिए आता है गरबा। हमें एक बहुत अच्छा गर्व है कि हमारे ये वसई तालुका में हम लोग कोई भी कार्यक्रम का अगर आयोजन करते हैं तो सब हमको प्रतिसाद देते हैं। और मैं तो हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हैं कि कोई स्वार्थ नहीं देख के सब 9 दिन काम करते हैं। दादा, साथ ही साथ एक और बड़ा विषय, अभी बड़ा मौके है, नाना का और अप्पा का बर्थडे है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, शुभकामना संदेश? आज जो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ये अप्पा और नाना की देन है, हमारे युवा आमदार सतीश ठाकुर की देन है कि उनके जो आपको प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा से हम काम करते। अभी हम अप्पा के 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम कंटिन्यू 10 दिन पूरे तालुका में बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है सबके। कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैं अपने तालुका के लोगों को इतना ही संदेश देता हूँ कि हर धर्म के लोग यहाँ पे रहते और सब अच्छे तरफ से यहाँ पे रहते, तो हर धर्म का कार्यक्रम मनाना मांगता है। हमारा नवरात्र रहने दो, गणपति रहने दो, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती रहने दो, ईद रहने दो, क्रिसमस रहने दो, कोई भी कार्यक्रम हमारा, हम तो सब कार्यक्रम मनाते हैं। हमारा सब जगह हर कार्यक्रम का बैनर लगता है हर समाज के। तो हम यही चाहते हैं कि सबको कि ये तालुका अपना हर जाति धर्म के लोग हैं, तो अपन सब कार्यक्रम एंजॉय करने का और उनके सबके सुख दुख में शामिल होना मांगते हैं अपन। ये सब कार्यकर्ते की मतलब जो भी कार्यकर्ता है उन्होंने यही थिंकिंग होना मांगता है और मेरी थिंकिंग वैसे। सर, क्या कहेंगे? अभी अभी रुपेश दादा ने कहा कि जहाँ हमारे कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली आयोजन हो जाता है और अच्छा ही कार्यक्रम होता है। कार्यकर्ता की भीड़ जब लगती है, जब रुपेश भाई का बैनर लगता है, तो ये जो बैनर है बहुत इम्पोर्टेंट है और रुपेश दादा हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रुपेश दादा के बैनर के नीचे हम कार्यकर्ता है। तो रुपेश दादा जहां भी होते हैं वहां कार्यकर्ता की भीड़ होती है, उसी कार्यकर्ता एकत्र होके पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं। और आज नवरात्रि सब कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में मिलके नवरात्रि गरबा का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पे इवन नव युवा मित्र मंडल, 7171 ग्रुप और तथास्तु ग्रुप, तीनों ग्रुप क्लब होके भोजन विकास आघाड़ी के पुरस्कृत ये कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है। काफी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, इतना है कि 100% लोग खेलने वाले ही आते हैं।
प्रेक्षक से भी ज्यादा खेलने वाले रहते हैं, उनके लिए आयोजन करना इतना बड़ा जगह में, फिर भी हमारे कार्यकर्ता सब तटस्थ है और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये माता जी की कृपा है और मैं एक ही बात बोलूंगा, बोलो श्री अम्बे मात की जय। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।